छात्र संगठन एनएसयूआई ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। एनएसयूआई के अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के पोस्टर फाड़े जाते हैं, लेकिन शिकायत देने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। एनएसयूआई के अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि मजबूरन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपना पड़ा है। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में गलत तरीके से भर्ती की जा रही है। विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में और विशेष विचारधारा के लोगों को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का युवा परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। सर, आज प्रेस वार्ता का जो मुख्य बिंदु था, हिमाचल प्रदेश के जो रीजनल सेंटर खनियारा में लगातार छात्र संगठन द्वारा हमारे छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनके साथ मारपीट की कोशिश की जा रही है। हमारे छात्र संगठन के जो छात्राएँ हैं वो पुलिस स्टेशन में जाके उनकी जो है शिकायत भी कर रही है, उसकी शिकायत भी दर्ज नहीं की जा रही है। इन उद्देश्यों के लेकर एनएसयूआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आवाज़ को बुलंद रखा। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों एनएसयूआई वहाँ पे अपने गाइडेंस ब्यूरो अच्छी तरह से लगा रही थी, एनएसयूआई अच्छे काम कर रही थी, हेल्प डेस्क में लोगों की हेल्प कर रही थी। जो दूसरे छात्र संगठन इस बौखलाहट में, उन्होंने हमारे बैनर पोस्टर फाड़े वहाँ पर, और इसके जवाबी कार्रवाई में जब हमने बोला कि क्यों फाड़े, और लड़ाई झगड़े के माहौल बनाया। उसके बाद जब हमारे छात्र संगठन के जो नेता है वो वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करने गए, तो एफआईआर भी रजिस्टर नहीं की गई। जब हमने डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद मजबूरन जो है एफआईआर को रजिस्टर करना पड़ा, जबकि पहले हमारे छात्र 10 छात्र जो नेता है उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर की गई। वहाँ पर शरेआम गुंडागर्दी का माहौल बनाया जा रहा है, शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, और स्थानीय विधायक द्वारा पुलिस प्रशासन को पूरी सपोर्ट है, उनके दबाव में पुलिस प्रशासन एनएसयूआई के छात्र संगठनों की छात्रों की आवाज़ को दबाने में लगे हैं। इन मुद्दों को लेकर हमने आज प्रेस वार्ता भी की, और आने वाले समय में आपसे संदेश के तौर पे भी कहा कि अगर जल्द इन मुद्दों को नहीं निपटाया गया, सरकार इस मुद्दे को ज्वलनशील या संवेदनशील बनाने में रही, तो आने वाले समय में एनएसयूआई इसका पूर्व जोर विरोध भी करेगी और बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।